सो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग के चैनल पे HTML का बिगनर्स कोर्स चल रहा है, जहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग लेवल से एडवांस लेवल तक HTML कोडिंग सिखा रहा हूँ। अभी तक पूरे पार्ट 4 आ चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टेक्स्ट टाइटल एट्रीब्यूट सब बता रखा है। अब आज है पार्ट 5, और मैंने कहा था कि पार्ट 5 में मैं आपको HTML फॉर्मेटिंग बताऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो, HTML फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसमें कितने प्रकार के टैग्स यूज होते हैं, सब मैं अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाकर HTML की पूरी कोडिंग करके समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो बहुत गलत किया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको सही में HTML कोडिंग सीखनी है, आपको गारंटी के साथ ये कोर्स चाहिए, तो सारी वीडियो लाइन से देखो, तभी आपको सब समझ में आ जाएगा। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग होती क्या है। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने HTML कोर्स का पार्ट 5 और बात कर लेते हैं HTML फॉर्मेटिंग की। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऐप दिख जाएगा, SPCK एडिटर, जिसमें समय हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज ये है पार्ट 5, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि HTML फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ या आर्टिकल या ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम लोग को बहुत से टैग्स दिए जाते हैं, जिन टैग्स का यूज़ करके हम लोग और उसको अच्छे से लिख सकते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें की जाती हैं जो मैं आज आपकी वीडियो में बताने वाला हूँ। आज प्रॉपर मैं 10 टैग्स के बारे में बताऊँगा, जिनका सिर्फ यूज़ आपको यहाँ पे आर्टिकल और ब्लॉग जब आप लिखते हो तो यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए दिए गए हैं HTML 5 में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बोल्ड टैग क्या होता है। दोस्तों, मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं पे कोई गलती मेरे से हो जाए या फिर आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। अब बात करते हैं बोल्ड टैग क्या होता है। बोल्ड टैग को हम लोग सबसे पहले बी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टैग ओपन कर लिया जिसको कहते हैं बी टैग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये लॉरम जो लिखा हुआ है, ये लॉरम के बाद से मैंने यहाँ बी टैग लगाया हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस बी टैग को हटा देता हूँ, ठीक है, बी टैग मैंने हटा दिया। अब इसको पहले सबसे पहले प्ले करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि ये कोड क्या रन होके आता है। तो मैंने यहाँ पर रन किया तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सिंपल सा, जो कि एक पैराग्राफ में आ रहा है। आप पढ़ सकते हो लॉरम इप्सम डॉलर सिट एमिट, ठीक है, ऐसे लिख के आ रहा है, जो कि एक कोई यहाँ पर मतलब डमी टेक्स्ट मैंने लिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सबसे पहले जो बोल्ड टैग है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर बी लिख के और उस टैग को यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे बोल्ड टैग ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से इतनी लाइन के बाद मतलब यहाँ पे इस जगह पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे इस जगह से मैंने ओपन किया है और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस टैग को, तो देखते हैं हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे इस टैग को क्लोज करना है, तो मैंने यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर किया है यहाँ पे लॉरम के बाद में, और यहाँ पे क्लोज इसके नीचे किया है। तो आपने मतलब यहाँ से पूरा ये एक लाइन इसमें कवर हो गई है इप्सम से लगाकर एमिट तक, ठीक है। अब चलिए इसको प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है। मैंने प्ले किया तो अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस जगह पे एक बोल्ड टैग लगाया था ओपन करके, बोल्ड टैग यहाँ पे ओपन किया था और इसके बाद में यहाँ पे मैंने एमिट के बाद में बोल्ड टैग क्लोज कर दिया था। मतलब इतनी लाइन हम लोग की बोल्ड टैग में कवर हुई थी, कितनी लाइन, जिसमें ये डार्कनेस आ गई है, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, इतनी लाइन हमारी बोल्ड टैग के अंदर कवर हो गई है। तो बोल्ड टैग का मतलब ही होता है कि किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी लाइन या सेंटेंस को बोल्ड कर देना, गाढ़ा कर देना। इससे होता क्या कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप एक व्यूअर हो, जो आप एक ब्लॉग या एक आर्टिकल पढ़ने आए हो, और आपको मान लीजिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेटर है, इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, तो आप इसको गाढ़ा कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कि ये जितने सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनमें से ये अलग हट के ही दिख रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को स्पेशल या किसी हट के दिखाना चाहते हो, तब हम लोग यूज करते हैं बोल्ड टैग का। बोल्ड टैग लिखा कैसे जाता है, बोल्ड टैग आपका लेस देन यहाँ पे बी और ग्रेटर देन इसके बीच में स्टार्ट होता है, और जब क्लोज करोगे तो यहाँ पे इसको लेस देन स्लैश बी और ग्रेटर देन। तो दोस्तों, ये आपको जब मैंने टैग समझाया था टैग क्या होते, तब आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है। स्ट्रॉन्ग टैग, जी हाँ दोस्तों, जब आपको मैंने ये बोल्ड टैग बताया था
तो बोल्ड टैग का एक भाई भी होता है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग कुछ इस तरीके लिखा जाता है, यहाँ पे पहले आपको स्ट्रॉन्ग लिख लेना है और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे बंद कर देना है। तो बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों कोई अंतर नहीं होता है। आप कहोगे भाई ये क्या मतलब हुआ, इससे बोल्ड टैग भी दिया स्ट्रॉन्ग टैग भी दिया और जब दोनों के काम में कोई अंतर नहीं होगा तो क्यों दिया है? दोस्तों आप चाहे बोल्ड टैग यूज़ करो चाहे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करो, यहाँ पे आपको गाढ़ा करने के लिए ही दोनों यूज़ किए जाते हैं। पर मेरी बात अब यहां पे ध्यान से समझिए, बोल्ड टैग वहां पे यूज होता है जैसे यहां पे आपके ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो कोई व्यूअर पढ़ रहा है उसको सिर्फ डार्क दिखेगा, पर अगर मान लो कि आपको सर्च इंजन में बताना है कि नहीं ये लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सर्च इंजन में रैंक करना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा सर्च इंजन को? तो दोस्तों यहाँ पे सर्च इंजन जब इस चीज़ को जानेगा तभी इस चीज़ को रैंक करेगा। तो अगर सर्च इंजन की नज़र में और ब्राउज़र की नज़र में आप इसको इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बोल्ड टैग यूज़ ना करके स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी दर्शक के उससे देखोगे कि मान लो आप पढ़ने आए हो तब तो आप बोल्ड टैग यूज़ करके यहाँ पे उसको आप स्पेशल दिखा सकते हो, पर अगर यहाँ पे कोई ब्राउज़र और किसी सर्च इंजन को आप दिखाना चाहते हो कि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसको सर्च इंजन में रैंक करो, तब आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे बी हटा के हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं और स्ट्रॉन्ग टैग जैसा कि हमने ओपन किया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर देते हैं। ओके अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग पहले यूज़ किया था, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग ओपन किया है, यहाँ पे बोल्ड टैग किया था अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया है और लाइन उतनी है। अब देखते हैं क्या अंतर आया है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको रन करके, देख सकते हो कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं आया है, जैसे वो डार्क दिखा रहा था वैसे ये डार्क दिखा रहा है। पर अब ये वर्ड दोस्तों सर्च इंजन की नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, सर्च इंजन इन पर ध्यान देगा और इनको रैंक कराने की कोशिश करेगा। अब मेरी बात यहाँ पे एक और समझिए, इसका भी रूल होता है कि जो आपका बोल्ड टैग है इसको आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, आपका मन हो आप यहाँ यूज़ कर लो फिर यहाँ यूज़ कर लो फिर यहाँ यूज़ कर लो फिर यहाँ यूज़ कर लो, एक आर्टिकल एक ब्लॉग में जितना मन हो उतना आप बोल्ड टैग को यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग है ये वाला जो मैंने अभी टैग बताया स्ट्रॉन्ग टैग, इसको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो, नहीं तो गूगल उस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर देगा, उस पर ध्यान नहीं देगा आपका, बिल्कुल एक तरीके से जो आपने साइट और जो ब्लॉग बनाया वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसको निम्नम पूरे ब्लॉग में एक या दो बार और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब तीन बार यूज़ कर सकते हो, पर बोल्ड टैग है उसको जितना मन हो यहाँ कर लो यहाँ कर लो यहाँ कर लो यहाँ कर लो यहाँ कर लो, मतलब जितना आप डार्क कोई भी अगर वर्ड है, मान लीजिए ये वर्ड है ठीक है, इसको मुझे इंपॉर्टेंट दिखाना मैंने इसको कर दिया, अगर मान लीजिए मुझे इसको इंपॉर्टेंट दिखाना मैंने इसको बोल्ड टैग से गाढ़ा कर दिया, पर आप स्ट्रॉन्ग टैग को बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग टैग का जब यूज़ करना है जब किसी वर्ड को इंपॉर्टेंट दिखाना हो सर्च इंजन की नज़र में और लोगों के नज़र में, तभी स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना। अब आते हैं दोस्तों अपने इटैलिक टैग की तरफ, इटैलिक टैग क्या होता है दोस्तों उसको भी ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग को दोस्तों हटाकर यहाँ पे अब आई लिखेंगे, इटैलिक का सिर्फ फर्स्ट लेटर आई लिखा जाता है, अगर आप इटैलिक टैग यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसे लेस देन आई और ग्रेटर देन में बंद कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आई लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे आई टैग ओपन हो गया मतलब इटैलिक टैग ओपन हो गया, अब यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। कोड रन करते हैं, कुछ यहाँ पे आपको जितने में मैंने लिखा कुछ आपको यहाँ पे अलग दिख रहा है, शायद अभी नहीं दिख रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इतनी लाइन पे थोड़ा फोकस करो, क्या आपको ये कुछ तिरछी दिख रही है? मान लीजिए आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखो और इस ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखो, आपको इस लाइन में उस लाइन में कुछ अंतर दिखेगा। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन पे ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सीधी लिखी गई है, और अब आप इस ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखो, ये थोड़ी तिरछी आपको दिख रही होगी। जी हाँ दोस्तों, इटैलिक का मतलब ही होता है कि तिरछा, लेटर्स को थोड़ा तिरछा कर देना जिससे जो फॉन्ट्स होते हैं थोड़ा अच्छे लगने लगते हैं। अभी तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ है, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब आप स्पेशल किसी वर्ड को लिखते हो किसी लेटर को लिखते हो तो आप उसको इटैलिक दिखा सकते हो। चलिए मैं आपको करके थोड़ा एक दो लेटर स्टार्टिंग में दिखाता हूँ कि आपको इटैलिक किस तरीके से अलग दिखाना होगा। मतलब यहाँ पर चलिए मैं इसको लॉरम इप्सम को ही इटैलिक में बंद करता हूँ, तो मैंने यहाँ आई टैग ओपन कर लिया, अब यहाँ लॉरम इप्सम को मैंने यहाँ पर आई टैग से क्लोज कर
दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप देखना, सारे लेटर्स तो एक जैसे हैं, पर यहाँ लॉरम इप्सम आपका टेढ़ा आ रहा है। आपको मैं दिखा दूँ, ये लॉरम इप्सम आपका थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, जबकि बाकी जितने लेटर्स हैं वो सब यहाँ पे एक जैसे सीधे आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं इटैलिक टैग। अब दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बोल्ड टैग का एक अल्टरनेटिव बताया था, एक टू कॉपी उसका भाई बताया था स्ट्रॉन्ग टैग, वैसे ही इटैलिक का भी एक भाई होता है। जी हाँ दोस्तों, इटैलिक टैग का भी एक भाई होता है जिसको कहते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस का क्या यूज़ होता है दोस्तों? एम्फेसिस का भी वही यूज़ होता है जो कि इटैलिक का ही यूज़ होता है। मतलब आपको मैंने जो अभी पूरी गाथा समझाई है वो इसमें भी यूज़ होती है। मतलब जैसे कि आपने बोल्ड टैग का यूज़ किया किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया किसी चीज़ को सर्च इंजन की नज़र में इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही आई टैग का जब यूज़ किया किसी चीज़ को तिरछा करने के लिए, तो जो एम्फेसिस टैग होता है इसको किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए करते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके। अब यहाँ आई की जगह हम लोग ई एम टैग का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ई एम, ठीक। अब यहाँ पे क्लोज भी ई एम टैग को कर देंगे, तो यहाँ पे क्लोज हमने ई एम टैग को कर दिया। इसको कहते हैं एम्फेसिस टैग। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या परिवर्तन आया है दोनों में। पहले इटैलिक टैग था, अब एम्फेसिस टैग है। तो अब आप देख सकते हो अभी भी बिल्कुल सेम है, जैसे इटैलिक टैग में तिरछा आ रहा था वैसे ही अभी भी आ रहा है। तो क्या हुआ, अंतर क्या आया? तो अब अंतर ये आया कि अगर आप किसी चीज़ को इटैलिक भी दिखाना चाहते हो, साथ में उसको इम्पोर्टेंट भी दिखाना चाहते हो, किसको, गूगल के सर्च इंजन को ले लो या फिर किसी सर्च इंजन को ले लो, तब आप एम्फेसिस टैग का यूज़ करोगे। इसमें भी वही क्राइटेरिया है दोस्तों कि आप कितना भी, मतलब आई टैग जो होता है इटैलिक टैग, आप इसको कितना मर्जी हो उतना यूज़ कर लो कहीं पर भी, किसी भी वर्ड किसी लाइन में, पर आप जो ये एम्फेसिस टैग है ई एम, इसको आप तीन बार से, मतलब एक बार और दो बार और तीसरा जब बहुत ज़रूरी हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो एम्फेसिस टैग होता किस लिए कि आपको मान लो थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल देनी हो, तिरछा वर्ड करना हो, और साथ में गूगल सर्च इंजन या क्रोम ब्राउज़र या किसी भी सर्च इंजन को इम्पोर्टेंट भी दिखाना हो, तब आप एम्फेसिस टैग का यूज़ करोगे। एम्फेसिस का मतलब है अपने ऊपर आकर्षण डालना, और स्ट्रॉन्ग टैग का भी मतलब है उसको अपनी ओर आकर्षित करना, मतलब दिखाना कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, सभी वर्ड्स के देखते हुए वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि जो बोल्ड टैग था वो उसका भाई आपका स्ट्रॉन्ग टैग निकल आया, और यहाँ पे जो यहाँ पे हमने इटैलिक टैग आपको बताया है इटैलिक टैग, इसका भाई यहाँ पे एम्फेसिस टैग निकल आया है। तो आप समझ लो कि बोल्ड टैग का जब यूज़ करो जब आपको सिर्फ किसी व्यूअर को किसी दर्शक को वर्ड की इम्पोर्टेंस दिखानी हो, पर जब स्ट्रॉन्ग टैग आप डालते हो तो आप सर्च इंजन को इम्पोर्टेंट दिखाते हो उस वर्ड को। ये कम यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको कम यूज़ करो। और इटैलिक टैग को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, पर एम्फेसिस टैग को भी कम यूज़ करो, नहीं तो सर्च इंजन आपके पूरे साइट को एक तरीके से नज़रअंदाज ही कर देगा। अब आते हैं यहाँ पे, हमारे चार टैग हो गए, ठीक है, क्योंकि चार टैग में समझ लो दो ही हैं क्योंकि वो दूसरे एक दूसरे का अल्टरनेटिव मैंने आपको बताए थे जो कि बहुत काम आते हैं। तो आपको HTML या कोई भी कोडिंग हो आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि ये जो मैंने दो टैग स्ट्रॉन्ग टैग और एम्फेसिस टैग बताए ये SEO के बेसिक में आते हैं। जब आप किसी चीज़ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, किसी चीज़ को सर्च इंजन में लाते हो, तब इनका यूज़ किया जाता है। तो ये चार टैग हो गए। अब चलते हैं पाँचवें टैग की तरफ जिसको कहते हैं स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एम्फेसिस टैग को हटाकर चलिए स्मॉल टैग लिखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल है, तो मतलब स्मॉल या कोई चीज़ छोटी होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको सारे लेटर्स एक समान दिख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि सभी लेटर्स आपको सभी वर्ड जैसे लॉरम इप्सम डॉलर सीट एमिट ये सारे वर्ड आपको एक साइज में दिख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ पे स्मॉल टैग को ओपन करके क्लोज कर देता हूँ, मतलब इन दोनों वर्ड्स के बीच में लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल टैग के ही बीच में लॉरम इप्सम आ गया। अब यहाँ पे लॉरम इप्सम स्मॉल टैग के बीच में है, तो चलिए यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कोड को रन किया और थोड़ा साइज को मैं फिर से बड़ा करता हूँ। अब आपको कुछ समझ में आया, लॉरम इप्सम का साइज छोटा हो गया दोस्तों यहाँ पे,
जो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर का साइज कितना बड़ा है, उसी हिसाब से लॉरम इप्सम का साइज छोटा हो गया। तो जब आप किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड को छोटा दिखाना चाहते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा है, तब आप इसको स्मॉल टैग को यूज़ कर सकते हो। वैसे स्मॉल टैग बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, पर मैंने आपको इसलिए बताया कि आप कभी ब्लॉग या आर्टिकल लिखते हो कोडिंग की मदद से, तब आपको सारे टैग पता होना चाहिए। HTML फॉर्मेटिंग जो कोर्स होता है ये पूरे 10 टैग का मिलकर ही होता है। तो चलिए मैं आपने आपको बताया कि स्मॉल टैग यूज़ करके आप किसी भी वर्ड को छोटा कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस को छोटा कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सेंटेंस को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ पर स्मॉल टैग को हटाता हूँ, जहाँ मैंने क्लोज किया है यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा के दूसरी जगह पे लगा दूंगा। तो स्मॉल टैग को मैंने मान लीजिए यहाँ से हटाया और यहाँ पे इस जगह पे पेरेट्रा तक यहाँ पे जो भी PHARETRA पेरेट्रा जो लिखा हुआ है यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिएगा मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे वीडियो बना दूँ आपको समझ में ना आए वो मेरा मोटिव नहीं है, आपको मेरी बात समझ में आए भले वीडियो लंबी हो जाए वो मेरा मोटिव है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल टैग मैंने कहाँ से ओपन किया है, यहाँ पे, और क्लोज कहाँ किया है, यहाँ पे। मतलब दोनों लॉरम से स्टार्ट करके पेरेट्रा तक मैंने यूज़ किया है। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। आप देखिए पूरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा, लॉरम इप्सम पूरी ये लाइन नीचे तक पेरेट्रा तक बिल्कुल मतलब स्मॉल हो गई है यहाँ तक, ठीक। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे मैंने देखिए बंद नहीं किया था इसलिए इसने वर्क नहीं किया। आप देखते हैं अब यहाँ पर आपको फर्क सामने नज़र आने वाला है, आपको ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कुछ तो अंतर दिखेगा। यहाँ देखिए यहाँ तक मेरा वहाँ पे टैग काम कर रहा है, यहाँ तक टैग काम कर रहा है, उसके बाद टैग काम नहीं कर रहा है। तो इसका साइज देखिए और इस वाली लाइन का साइज देखिए। अभी मैं थोड़ा और दिखाता हूँ, ये सबसे ऊपर जो टॉप वाली लाइन है इसका साइज़ देखिए और नीचे वाली लाइनों का साइज़ देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर वाली लाइन का साइज़ छोटा हो गया है। तो स्मॉल टैग का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, इसलिए इसको माइंडली मत लीजिए। जो टैग यहाँ पे यूज़ वाले थे ऊपर चार टैग वो मैंने आपको बता दिए, वो काफ़ी यूज़ में आते हैं। अब हम लोग बात करने वाले मार्क टैग। तो मार्क टैग क्या है बताने से पहले ही आप थोड़ा समझ गए होगे, फिलहाल यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, जैसे ही मार्क लिखा उसके बाद में यहाँ पे भी मैं मार्क लिख देता हूँ। ओके मैंने यहाँ पे मार्क लिख दिया, अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब आपको कुछ यहाँ पे दिखा, मतलब यहाँ पे जितना टेक्स्ट लिखा है वो नॉर्मल ही लिखा है, ठीक है। और ऊपर आपको एक दिख रहा होगा हाईलाइट हो गया, जब आप किसी बुक में किसी चीज़ को किसी मान लीजिए आपने बुक खोली उसमें आपको कोई फार्मूला मिल गया, वो फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को मान लीजिए हाईलाइट कर देते हो। किस तरीके से, मान लीजिए कोई वर्ड है उसको आप इस तरीके से हाईलाइट ऐसे कर देते हो। तो जब आप मान लीजिए कोडिंग करते हो तो कोडिंग में आप किसी चीज़ को हाईलाइट कैसे कर सकते हो, तो जी हाँ दोस्तों मार्क टैग यूज़ करके हाईलाइट किया जा सकता है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको मार्क टैग से कैसे हाईलाइट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आके पेरेट्रा तक क्लोज है, यहाँ तक पेरेट्रा तक क्लोज है और ये पूरा हाईलाइट हो चुका है येलो कलर से। अगर आप किसी लाइन को किसी सेंटेंस को किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो तब आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस ना लेके सिर्फ दो वर्ड को आपको एक बार लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉरम एप्सम तक इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे मार्क टैग को ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लॉरम एप्सम हाईलाइट हो गया है। इस तरीके से आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हो। अब मार्क टैग की बात आपको मैं बताता हूँ डिलीट टैग। डिलीट टैग क्या होता है चलिए यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ। डिलीट टैग को हम लोग DEL से लिखते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपको DEL लिख देना है डिलीट टैग। ओके अब यहाँ पे क्लोज में भी डिलीट टैग ही लिखना है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्लोज में भी डिलीट टैग ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, आपको अभी समझ में आएगा क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है। अब आप देख सकते हो लॉरम एप्सम के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच गई, मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है उसके ऊपर एक ऐसे लाइन मतलब कट गई है लाइन, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा क्यों किया गया, अब मान लीजिए आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट, आपने न्यूज़ वेबसाइट बनाई और आपने ये आर्टिकल डाल दिया जिस बेस पे, ठीक है। फिर आपको पता चला कि नहीं इस आर्टिकल में मैंने मतलब जो बताया हुआ है वो गलत है, ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बाद में न्यूज़ की अपडेट आती है कि नहीं, आपने पहले बताया कि कोरोना के आज केसेस 19 निकले हुए हैं, ठीक है, और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं 19 नहीं है 20 हो गए हैं। तो अब आप अगर इसको सही कर देते हो, मान लीजिए यहाँ पे आप 19 हटा के
20 कर देते हो। तो जिसने पहले आर्टिकल पढ़ रखा है वो तो ये सोचेगा यार पहले तो मैंने शायद 19 पढ़ा था यार, यहाँ पे 20 तो नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या होता है, आपको किसी भी लाइन को इस तरीके से 20 से काट देना होता है और आगे उसको सही करके लिख देना है। मान लीजिए यहाँ पे लॉरम इप्सम है, ये गलत है, इसको मैंने काट दिया, अब उसके नीचे ऊपर एसपी लिख दिया, एसपी नया वर्ड है मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो कि ये वर्ड अब नहीं है, हटा दिया गया है, तो आप ये भी दिखाना चाहते हो कि हटा दे, मान लो आप इसको गायब ही कर दोगे, यहाँ पे दूसरा वर्ड लिख दोगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि पहले क्या था अब क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आपको ये वर्ड ऐसे काट देना है और काटने के बाद इसके आगे एक नया वर्ड जो आपको जोड़ना हो वो लिख देना है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये वर्ड अब नहीं है, इसको काट दिया गया है, अब ये चीज़ काम नहीं करती है, अब नई चीज आ गई है। तो इसको कहते हैं डिलीट टैग। डिलीट टैग का यूज ही सिंपल ये होता है कि मान लीजिए ये वर्ड आपने पहले गलती से लिख दिया है, फिर कोई अपडेट आई थी उस हिसाब से आपने लिखा, पर अब ये चीज नहीं है, अब इसकी जगह दूसरी चीज है, तो आपने इसको काट दिया, इसके आगे एक नया वर्ड मान लीजिए जोड़ दिया। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने यहाँ पे एसपी जोड़ दिया और इसको आपने हाईलाइट भी कर दिया। हाईलाइट कैसे किया, मैंने पहले एक आपको टैग बताया था मार्क टैग, ठीक है। तो अब ये नया वर्ड जो यहाँ पे जुड़ा है इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर दो कि ये नया वर्ड आया है और पहले वाला कट चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये लॉरम इप्सम की जगह ये लॉरम इप्सम काट दिया गया है और ये नया वर्ड एसपी आया हुआ, इसको आपने हाईलाइट करके दिखा दिया है कि ये नया वर्ड है, इसकी जगह पे ये आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी, हमने जो यहाँ पे आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, अगर नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने अगर यहाँ पे कोई वीडियो बना के दी है तो ये मतलब नहीं कि मैंने अपना बस चैनल पे एक वीडियो डाल दी, कुछ भी हो गया, सामने लोगों का समझ में नहीं आता तो मेरी मेहनत का कोई भी फायदा यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे टैग्स को हटा लेता हूँ, मैंने डिलीट टैग आपको बता दिया, मार्क टैग बता दिया, ऊपर अलग से वो बोर्ड और इटैलिक टैग बताए थे, स्ट्रॉन्ग और इम्फेसिस टैग बताए थे। अभी यहाँ पे डिलीट टैग हो गया है, अब मैं बात करता हूँ इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग क्या होता है, मैंने जैसे कि अभी एसपी वर्ड को ऐड किया था तो ऐड करना ही इंसर्ट कहलाता है, ठीक। इंसर्ट इसको ऐड, मतलब इंसर्ट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को ऐड करना, इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड कर देना। तो अब यहाँ पे नया वर्ड ऐड अगर करा जाएगा तो आप किस तरीके दिखाओगे, तो मैंने तो वहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया था, चलिए मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट के लिए क्या होता है, वही चीज़ यूज़ होगी जो पहले यूज़ हो रही थी, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में INS, इंसर्ट का हाफ फॉर्म INS, ओके। अब यहाँ पे लॉरम इप्सम के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करने के बाद में यहाँ पे अब देखता हूँ कि क्या यहाँ पे नई चीज़ आई है, चलिए यहाँ पे देखता हूँ। अब इंसर्ट के नीचे एक हाईलाइट हो गया है, मतलब लाइन खींच गई है, आपको दिख रहा होगा ये लाइन ऐसे आ गई है नीचे, तो इसका मतलब है कि ये लाइन अभी अभी लिखी गई है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी देखते हो किसी चीज़ के नीचे आप हाईलाइट कर देते हो, इसे पेन से लाइन खींच देते हो कि नहीं ये लाइन अभी लिखी गई है या फिर लाइन जरूरी है, मुझे याद रखनी चाहिए। तो अब अगर आप किसी वर्ड को ऐड करते हो, मान लीजिए वो वर्ड लॉरम इप्सम पहले वाला डिलीट करके आपने इसको ऐड किया है, तो यहाँ पे ये लाइन खींच दिए कैसे, चलिए मैं आपको पहले वाला यूज़ करके देखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं लॉरम इप्सम को डिलीट कर देता हूँ और एसपी को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे डिलीट टैग यूज़ कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं इंसर्ट टैग यूज़ करता हूँ एसपी में, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट टैग मैंने यूज़ किया एसपी वर्ड पे और यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट टैग क्लोज भी किया, क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे साइन नहीं लगाया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में यहाँ पे मतलब जो आपका एक साइन लगता है स्लैश का वो जरूरी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइन होता है ये, ठीक है। अगर आपको टैग लगाना नहीं आता तो आपने पिछली वीडियोस नहीं देख रखी है तो बहुत गलत किया, आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए एसपी के बीच में मैं क्रैकर भी लिख देता हूँ, थोड़ा वर्ड बड़ा हो जाएगा तो समझ में आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे समझ में आपको आने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे लॉरम इप्सम पहले गलत लिख दिया था, उसको डिलीट कर दिया गया, एसपी यहाँ नया वर्ड है, इसको हाईलाइट कर दिया गया है। अक्सर आप अगर न्यूज पढ़ते हो तो आपको न्यूज वेबसाइट में ये चीज दिख जाएगी कि पुराने वर्ड को डिलीट कर दिया जाता है और नए वर्ड को ऐड कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, कि मतलब यहां दिखा देते हैं कि पुराना वर्ड ऐसे डिलीट हो गया, नया वर्ड आ चुका है, ओके। इतना आपको समझ में आया होगा कि डिलीट का क्या यूज होता है, इंसर्ट का क्या यूज होता है। डिलीट का यूज होता है कि किसी लाइन को ऐसे इस तरीके से काट देना और इंसर्ट का यूज होता है किसी लाइन को किसी वर्ड को ऐड कर देना, ओके। अब यहां पे चलते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ जिसका नाम है सब टैग और सब टैग। तो सब टैग और सब टैग में क्या अंतर होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि सब टैग क्या मैं बोल रहा हूँ, स्पेलिंग समझिएगा, एस यू बी सब, और फिर समझिए सब, एस यू पी सब, ठीक।
अब आपने कभी सुना होगा मैथ में कि घात लगाना, पावर देना, कभी सुना है कि 2 की घात 3, ये सुना होगा, कभी मैथ पढ़ा होगा, या फिर 2 की पावर 3। तो अब आप कोडिंग में ये कैसे लिखोगे कि 2 की पावर 3 अगर आपको लिखना है तो आप किस तरीके लिख सकते हो? तो चलिए मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये समझिए, मैंने 2 वर्ड बोले हैं, सब। सब का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको घात लगाना होता है, तो 2 के नीचे भी आप देखते हो पावर 3 कभी कभी लगती है। जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, कोई भी तत्व लेते हो तो उसके नीचे उसका क्रमांक लिखा जाता है कि 2 की पावर 3 नीचे कभी कभी, मतलब पावर 1 होती है जो ऊपर पावर लगती है, 1 होता है जो नीचे की तरफ लगता है। मान लीजिए कोई आपने तत्व लिया तो H2 जैसे लिखते हो, तो H2 आपने लिखा हाइड्रोजन के 2 तत्व, तो H2, और आपने पूरा इसमें O जोड़ दिया तो ऑक्सीजन, तो H2O आपने पढ़ा होगा जल को कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो नीचे आप 1 लगाते हो परमाणु क्रमांक H2, ठीक है, और 1 आपने पढ़ा होगा 2 की पावर 3। तो 2 चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही हैं, 1 आपको यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है जिसमें नीचे पावर लग रही है, और 1 दिख रहा है जिसमें ऊपर पावर लग रही है। तो नीचे वाली कैसे लगाएंगे, ऊपर वाली कैसे लगाएंगे, समझना। ऊपर जब नीचे लगाना हो तब आपको यूज़ करना सब, SUB, और जब ऊपर लगाना हो तो यहाँ पे यूज़ करना सब, SUP। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। अब यहाँ पे इतना आप समझ चुके हो कि यहाँ पे मान लीजिए 2 चीज़ें अलग अलग हैं, 1 में पावर नीचे लग रही है जो कि H2 का मैंने उदाहरण दिया है, और 1 देखिए जिसमें पावर ऊपर लग रही है जिसमें मैंने सब का उदाहरण दिया है। दोस्तों अक्सर देखते हो कि जिसमें पावर नीचे लगती है वो केमिस्ट्री में होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें पावर ऊपर लगती है वो मैथ में होता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री वाले में आपको अक्सर नीचे H2, और मैथ में क्या होता है 2 की घात 3, 11 की घात 3 ऐसे लगाई जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके आप लगा सकते हो। आते हैं अपनी कोडिंग पे। कोडिंग पे आने के बाद में अब यहाँ पे पहले सबसे पहले इंसर्ट टैग वगैरह हटा लेते हैं, और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे इंसर्ट टैग और ये डिलीट टैग मैंने जो यूज़ किया है इसको पहले हटाते हैं अच्छे से। मैंने इसको हटा दिया है, और हटाने के बाद अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोई डिजिट लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लॉरम एप्सिलॉन के पहले मैंने सब का उदाहरण देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सब टैग के लिए यूज़ करता हूँ SUB, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में। तो यहाँ मैंने लिखा SUB सब, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ बोल्ड टैग यूज़ करके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बोल्ड टैग यूज़ कर लेता हूँ, और थोड़ा स्पेस देता हूँ इन दोनों के बीच में, या फिर रुकते हैं बोर्ड टैग बाद में यूज़ करते हैं, पहले आपको एग्जांपल दे देते हैं, नहीं आप भटक जाओगे रास्ते से कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको मैं H लिखता हूँ H, अब और इसकी पावर 2 किस तरीके लिखनी, समझना मेरी बात को। थोड़ा यहाँ पे आपको डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये थोड़ा अलग की चीज़ है, पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको मतलब ध्यान से समझना होगा कि अभी मैंने यहाँ पे जो सब लिखा है इसके पहले आपको वो लेटर लिखना होगा जिसके वो नीचे घात लगानी है। मान लीजिए मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो H मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब सब के बाद मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा क्योंकि H2 होता है, ठीक है, मैंने 2 लिखा। अब यहाँ पे सब क्लोज कर दिया, तो सब क्लोज करने के बाद में अभी प्रैक्टिकली आपको जब ये दिखेगा तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है, H2 आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे H के नीचे घात, मतलब घात कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, पावर 2 लगी हुई है। आपको ये मैं दिखाता हूँ, थोड़ा अलग कलर से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये H है, ठीक है, हाइड्रोजन, और इसकी पावर यहाँ पे नीचे परमाणु क्रमांक 2 लगा हुआ है। अब इसी को अगर आप ऊपर लगाना चाहते हो कि आपको मान लीजिए यहाँ पे H की बजाय मैं 11 को उदाहरण देता हूँ, 11 की पावर 2, या फिर 2 की पावर 2, तो यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे लगेगा। सिंपली यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको H के हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पावर 2 लगाना चाहता हूँ, मतलब ये जो 2 है इसको ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे P कर दूंगा, तो सब की जगह सब हो जाएगा। यहाँ पे 1 ही लेटर का फर्क है, इसलिए धोखा मत खाइएगा। और यहाँ पे अब देखते हैं 5 की पावर 2 लिख के आया कि नहीं, अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मतलब यहाँ पे मैं पूरा जूम करके आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 5 है और इसकी पावर 2 लिखा है, तो आप देख सकते हो 5 की घात 2। मैथ आपने पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ाया जाता है क्लास 5th-6th में कि घात क्या होती है, पावर क्या होती है, तो 5 की घात 2, 5 की पावर 2। तो ऐसा कोडिंग में जब आप कोई कहेगा कि नहीं मुझे मैथ की वेबसाइट बनानी है, तो वो तो देगा यार फार्मूला वगैरह, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि 5 की घात 2 कैसे लगाएं? आप तो उसके बराबर में ऐसे लिख दोगे 5 और ऐसे 2, तो ये तो 52 हो गया, नहीं, आपको ऐसे 5 उसके ऊपर पावर 2 लगा के दिखानी है। तो आप इस तरीके लगा सकते हो। तो सब का उदाहरण से समझिए, मतलब जो सब होता है आपका SUP,
तो सब में होता क्या है आपको मैं दिखाता चलता हूँ। सब में होगा कि आपके यहाँ मान लीजिए 5 लिखा है, उसके ऊपर आएगी पावर 2, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सब जो लिख किया था SUB, तो सब में होगा दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने SUB सब ये टैग का यूज़ किया, तो यहाँ पे आएगा आपके 5 और 5 के नीचे यहाँ पे पावर 2, मतलब मान लीजिए H के नीचे पावर 2, तो यहाँ पे नीचे आएगा पावर ऊपर, मतलब पावर तो ऐसे ऊपर वाले को बोलते पर नीचे आएगा। आप समझ गए होंगे कि सब और सब टैग में क्या अंतर होता है। आई होप आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने पूरे 10 टैग्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पूरा लाइन से मतलब HTML फॉर्मेटिंग जो होती है मैंने आपको बता दी है। HTML फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आप कभी कोई आर्टिकल लिखते हो तो आप कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। मैंने कौन कौन से टैग्स बताया एक बार आपको फिर से मैं याद दिला देता हूँ। मैंने बोल्ड टैग बताया, स्ट्रॉन्ग टैग बताया, इटैलिक टैग बताया, एम्फेसिस टैग बताया, स्मॉल टैग, मार्क टैग, डिलीट टैग, इंसर्ट टैग, सब टैग, सब टैग। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा Part 6, उसमें और भी चीज़ें मैं अलग अलग कवर करने वाला हूँ, जैसे इमेज कैसे लगाया जाता है, ऑडियो कैसे लगाया जाता है, वीडियो कैसे लगाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। बस थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।